नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार के सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर अब पहले की तरह छुट्टी नहीं देंगे। अब एक साथ अधिक से अधिक स्कूल के 10% शिक्षकों को ही छुट्टी मिल सकेगी। शिक्षा विभाग के ACS KK पाठक ने इसको लेकर सभी जिलों को आदेश जारी किया है। KK पाठक ने जिलों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों के छुट्टी लेने की मनोवृत्ति पर रोक लगाए और एक साथ स्कूल में 10% से अधिक शिक्षकों की छुट्टी नहीं दी जाए, इसे सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बने माहौल को देखते हुए केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना लगभग तय है। ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन में यह संभावना जताने के साथ ही कहा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत ने पार्टी की ताकत को और बढ़ाया है। गृह विभाग ने बिहार कैडर के 14 IPS अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। इनमें 3 DIG को IG जबकि 11 पुलिस अधीक्षकों को DIG के पद पर प्रोन्नति दी गई है। हालांकि प्रोन्नति के बाद भी इनकी जिम्मेदारी नहीं बदली है। इन पुलिस अधिकारियों के वर्तमान में धारित पद को ही उनके पदस्थापना काल तक उत्क्रमित कर दिया गया है। गृह विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। KGF 1, बाहुबली 1 और पुष्पा 1 को पीछे छोड़ते हुए प्रशांत नील के निर्देशन में बनी होम बाले फिल्म्स की फिल्म सलार बीते साल की सफलतम पैन इंडिया फिल्मों में से एक साबित हुई है। फिल्म ने अकेले हिंदी में भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। फिल्म ने पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 178.7 करोड़ की कमाई करके सभी को चौंका दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए राज्य के शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु अंतिम तिथि में विस्तार किया गया है। बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं में पढ़ रहे छात्र अब इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन 13 जनवरी 2024 तक करा सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना हाल ही में जारी की थी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी मंगलवार 2 जनवरी 2024 से शुरू हो रही है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन निर्धारित आखिरी तारीख 22 जनवरी 2024 तक सबमिट कर पाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार को 68वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी है। साक्षात्कार 8 जनवरी से 14 जनवरी तक होगा। इसमें 867 परीक्षार्थियों को आमंत्रित किया गया है। क्रमांक के अनुसार अभ्यर्थियों को अलग अलग तिथि में आमंत्रित किया गया है। किस अभ्यर्थी का साक्षात्कार किस दिन है, इसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब वंचित वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ साथ उनके भोजन की भी उचित व्यवस्था करने का अथक प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार देश में उपस्थित सरकारी स्कूलों के करोड़ों बच्चों को 5 साल तक के लिए मुफ्त भोजन प्रदान करने के केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2023 का शुभारंभ किया गया है। नए साल में मोदी सरकार ने तेल कंपनियों को झटका देते हुए कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को बढ़ाने का फैसला किया है। यह बढ़कर 2,300 रुपए प्रति टन हो गया है। सोमवार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स पर होने वाली समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी ओर डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल या जेट फ्यूल पर लगने वाले टैक्स को कम करने का फैसला किया है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दी है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को होने वाला है। इस समारोह के लिए अयोध्या में प्रशासन और सरकार पूरी तरह लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर सोमवार रात को एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या राम में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति के चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है। हमारे देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। सरकार ने चुनावी बांड की 30वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। इनकी बिक्री मंगलवार से शुरू होगी। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त की बिक्री 2 जनवरी से 11 जनवरी तक होगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम UGE 2023 का आयोजन 5 मई 2024 को किया जाएगा। परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण इस बार स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने की काफी उम्मीद है। संख्या बढ़ने के साथ इस बार मेडिकल में सीटें भी बढ़ेंगी। इस साल करीब 1.13 लाख से अधिक MBBS सीटों पर एडमिशन होगा। वर्तमान में देश में 706 मेडिकल कॉलेज है। इनमें 1,08,915 MBBS सीटें हैं। देश भर में ड्राइवरों ने नए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामलों में जेल की सजा बढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपराधिक संहिता कानून, जिसने ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता को निरस्त कर दिया है, अब दुर्घटना स्थल से भागने और घटना की रिपोर्ट न करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। व्हाट्सएप ने एक रिपोर्ट में जानकारी देते हुए कहा है कि पिछले वर्ष नवंबर में भारत में 71 लाख अकाउंट पर रोक लगाई गई। कंपनी ने IT नियम 2021 के अंतर्गत सोमवार को यह जानकारी दी। इसमें कहा गया कि कंपनी ने यह कार्रवाई 1 से 30 नवंबर के बीच की है। इनमें से 19 लाख से अधिक अकाउंट पर कंपनी ने किसी भी तरह की शिकायत मिलने से पहले ही रोक लगा दी थी।
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2023 अच्छा रहा। वर्ष 2023 में आर्थिक विकास मजबूत होने के साथ प्रभावशाली टैक्स कलेक्शन, स्थिर रुपए और पूंजी बाजार में भी इजाफा हुआ। यह रफ्तार 2024 में भी जारी रहने की उम्मीद है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% आंकी है। फिच रेटिंग्स ने नए साल में 6.6% से 6.8% की वृद्धि की संभावना जताई है। भारत और पाकिस्तान ने सोमवार को राजनयिक चैनलों के जरिए परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। दोनों देशों ने यह सूची निषेध संबंधी समझौते के तहत एक दूसरे को दी है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच इस तरह की सूची का यह लगातार 33वां आदान प्रदान है। पहली बार 1 जनवरी 1992 को हुई थी। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। 19 मई 2023 को 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा के समय प्रचलन में मौजूद 2000 रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था, जो 29 दिसंबर 2023 को कारोबार बंद होने के दौरान घटकर 9,330 करोड़ रुपए रह गया। इस तरह साल का अंत होने तक 19 मई 2023 तक प्रचलन में मौजूद 2000 रुपए के बैंक नोटों की कुल 97.38% बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया है। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बरकरार रखने जाने के मुद्दे पर सोमवार को किसी भी विवाद से बचने की कोशिश की। सीजीआई ने शीर्ष अदालत के सर्वसम्मत निर्णय की कुछ हलकों में ही रही आलोचनाओं पर टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश किसी भी मामले में निर्णय संविधान एवं कानून के अनुसार करते हैं। 1 जनवरी भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बिना दावे वाली जमा राशि को लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत बैंकों को इन खाताधारकों का पता लगाने के लिए समय समय पर विशेष अभियान चलाने की जरूरत होगी। संशोधित दिशा निर्देश 1 अप्रैल से लागू होगा। इसमें बैंकों में बिना दावे वाली जमा की मात्रा को कम करने में मदद मिलेगी। इस दिशा निर्देश से ऐसी जमा राशि को उनके सही दावेदारों को वापस करने के लिए बैंकों और आरबीआई के प्रयासों को गति मिलेगी। लाल सागर में हुती विद्रोहियों के आक्रामक रवैये से वैश्विक कारोबार प्रभावित होता दिख रहा है। इनके आक्रामक रवैये को देखते हुए शिपिंग कंपनियां लाल सागर की जगह अन्य रूट से माल भेज रही है, क्योंकि उन्हें अपने जहाज को हुती विद्रोहियों द्वारा तहस नहस करने की आशंका है। रूट के बदलने से शिपिंग कंपनियां अधिक शुल्क की मांग कर रही हैं। ऐसे में भारतीय निर्यातकों को अब निर्यात लागत बढ़ने की चिंता सताने लगी है। मौसम विभाग ने सोमवार को चेतावनी दी कि जनवरी में देश के मध्य हिस्सों में शीतलहर के बारे में चेतावनी दी और अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की आशंका जताई है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनवरी से फरवरी मार्च की अवधि के दौरान सामान्य बारिश की आशंका जताई है, जिससे गेहूं की बेहतर फसल की उम्मीद बढ़ गई है। भारतीय कुश्ती महासंघ की तदर्थ समिति आगामी एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग और विश्व क्वालिफाइंग टूर्नामेंट की तैयारी के लिए वरिष्ठ पहलवानों के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविर की मेजबानी करेगी। इसके साथ ही समिति ने कुश्ती के लिए सीनियर नेशनल चैंपियनशिप भी निर्धारित कर दी है। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2 से 5 फरवरी तक जयपुर में होगी और इसका आयोजन रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने सोमवार को कहा कि कर अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कथित तौर पर जीएसटी का कम भुगतान करने के लिए उसे लगभग 806 करोड़ रुपए की मांग को नोटिस भेजा है। कंपनी ने कहा कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर इस आदेश के खिलाफ आयुक्त मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगी। नियामकीय सूचना के मुताबिक इस नोटिस का एलआईसी की वित्तीय परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है। साल 2024 में भारत के पास 3 विश्व कप ट्रॉफी जीतने का मौका होगा। यह सभी भारत की अलग अलग क्रिकेट टीम के लिए है। सबसे पहले आईसीसी खिताब पर भारत की जूनियर टीम यानी अंडर 19 विश्व कप में उतरने वाले युवाओं पर होगी। साल का दूसरा विश्व कप जिसमें भारत की सीनियर टीम उतरेगी वो 4 जून से 30 जून के बीच अमेरिका और वेस्टइंडीज के मेजबान में खेला जाना है। साल के आखिरी विश्व कप की बात करें तो महिला टीम सितंबर में T20 फॉर्मेट में आईसीसी ट्रॉफी जीतने का इरादा लेकर उतरेगी। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में कई बदलाव किए जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने अगले सत्र से कई बड़े बदलाव की घोषणा भी कर दी है। इसका असर सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024 में भी नजर आएगा। बोर्ड नंबर व ग्रेड से ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल एजुकेशन पर रखना चाहता है। सीबीएसई बोर्ड नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि इस साल बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट्स को न तो कोई डिवीजन दी जाएगी और न ही उनके परसेंटेज कैलकुलेट किए जाएंगे। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 2023 में जारी वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस की संख्या सालाना आधार पर 39% बढ़कर 1,622 हो गई है। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 22.5% रही है। डीजीसीए ने 31 दिसंबर 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान 1,165 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए थे। बयान में कहा गया कि वर्ष 2023 में जारी सीपीएल की संख्या एक दशक में सबसे अधिक है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने 12वीं सदी के इस धार्मिक स्थल में हॉट पैंट, फटी जींस, स्कर्ट और बिना आस्तीन वाले कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है और उनके लिए सोमवार से ड्रेस कोड लागू कर दिया है। भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए शालीन परिधान पहनने होंगे जो प्रदर्शन न करते हों। जैसे ही नया नियम लागू होगा, पुरुषों को धोती गमछा पहनकर 12वीं सदी के मंदिर में प्रवेश करते देखा गया, जबकि महिलाएं ज्यादातर साड़ी या सलवार कमीज में देखी गई।
एयरलाइन कंपनियों के लिए दिसंबर का महीना यादगार साबित हुआ है। इस अकेले एक अकेले महीने में 1.38 करोड़ लोगों ने घरेलू सफल हवाई जहाज के जरिए किया, जो कि किसी एक महीने में हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों की सबसे अधिक संख्या है। इससे पहले मई 2023 में 1.32 करोड़ लोगों ने एयरलाइन कंपनियों के जरिए देश के अंदर सफर किया था। देश में ITR फाइलिंग का नया रिकॉर्ड बना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार देश में रिटर्न भरने वालों की संख्या 8 करोड़ के पार पहुंच गई है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 8.18 करोड़ रही है। इसमें लगभग 9% का उछाल आया है। जानकारी के अनुसार असेसमेंट ईयर 2023-24 में कुल 1.60 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट एवं अन्य फॉर्म भरे गए। इससे पहले पिछले वर्ष यह आंकड़ा 1.43 करोड़ रुपये था। पाकिस्तान की जेल में बंद 184 भारतीय मछुआरों की जेल की सजा पूरी हो चुकी है। भारत ने इन कैदियों को रिहा करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन कैदियों की स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पाकिस्तान से 12 नागरिक कैदियों को तत्काल राजनयिक पहुंच प्रदान करने के लिए भी कहा गया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, अनु गोलू कुमार, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, नौशद राजा, जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार धर्म स्थलों पर ड्रेस कोड लागू करना सही है या गलत? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।